Welcome guys. In this lecture, I shall be teaching you about types of deficits. Well, teen type ke deficits hain bacho. One is called revenue deficit, other one is called fiscal deficit, and the last one is called primary deficit. They all are important in their own sphere. So, aaiye inko achche se samajhte hain mere bacho. Types of deficit coming your way. Aaiye sabse pehle baat karte hain revenue deficit ki. Well, mere bacho, अगर मैं रेवेन्यू डेफिसिट की बात करूं तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है दो बातें. पहली बात डेफिसिट. वेल, डेफिसिट हैज़ टू हैपन व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिट. सिंस इट्स अ रेवेन्यू डेफिसिट, तो वी मस्ट से दैट व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिट. सो गाइस, अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट है यानी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू रिसिट से ज़्यादा होगा. वेल गाइस, हमने जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये मान लिया कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है से $30 million और रेवेन्यू रिसिप्ट है से $20 million. सो गवर्नमेंट विल बी हैविंग अ रेवेन्यू डेफिसिट विच शैल बी इक्वल टू $10 million. अब डेफिसिट अगर है तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, आइए हम आपको इसके इम्प्लीकेशंस बताते हैं. सो विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट. सो लेट्स सी रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस. तो पहला इम्प्लीकेशन बेटा, इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट रेगुलर एक्सपेंडिचर. डोंट यू थिंक, अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हो गाइस, तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ही क्या है कि आपका करंट खर्चा, रेकरिंग खर्चा, रेवेन्यू खर्चा इज मोर देन योर रेवेन्यू रिसिट, राइट? तो अगर आपका करंट खर्चा या रेकरिंग खर्चा दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर रेवेन्यू रिसिट, डोंट यू थिंक इट सर्टनली शोज इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर. इसको हम इन अ वे फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं. सो आपके खर्चे ज़्यादा हैं बेटा, लेकिन आपकी करेंट इनकम उन खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है. आइए बात करते हैं सेकेंड इम्प्लीकेशन की. वेल मेरे बच्चों, क्योंकि आपका रेवेन्यू डेफिसिट है तो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम है. दैट मीन्स यू डोंट हैव मच और सफिशियंट रिसिप्ट कमिंग योर वे. अब खर्चा तो ज़्यादा कर रहे हैं और उतनी इनकम है नहीं, तो अब आपको उस एक्स्ट्रा खर्चे को करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, ज़्यादा रिसिप्ट चाहिए होंगी. देन एज अ गवर्नमेंट यू विल रिजॉर्ट टू कैपिटल रिसिप्ट, यू विल गो टूवर्ड्स कैपिटल रिसिप्ट. अब कैपिटल रिसिप्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, हमने आपको कैपिटल रिसिप्ट का नेचर बताया ही था लास्ट लेक्चर में कि या तो असेट कम हो जाती है या तो लायबिलिटी बढ़ जाती है. तो आपको नहीं लगता बेटा, चाहे असेट कम होना हो चाहे लायबिलिटी बढ़ना हो, दे बोथ आर नॉट गुड. तो ये भी एक इम्प्लीकेशन है कि गवर्नमेंट जो है अगर रेवेन्यू डेफिसिट फेस कर रही है तो उसको मेकअप करने के लिए उसको कैपिटल रिसिप्ट पे जाना पड़ेगा. अगर कैपिटल रिसिप्ट करते हैं या तो बोरिंग्स करेंगे यानी लायबिलिटी बढ़ाएंगे, या अपने कोई एसेट को बेचना पड़ेगा. थर्ड है बच्चों इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन क्यों होता है हम आपको बताते हैं. देखिए आप खुद सोचिए, आपकी एसेट बिकी या लायबिलिटी बढ़ी, किस लिए? क्योंकि गवर्नमेंट को खर्चा करना है. आपकी एसेट बिकी या लायबिलिटी बढ़ी क्यों? क्योंकि आपको गवर्नमेंट को पैसा चाहिए खर्चा करने के लिए. आप देख सकते हो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ही क्या, आपका खर्चा ज़्यादा है आपके रिसिप्ट कम है. डोंट यू पीपल थिंक, अगर गवर्नमेंट इतना खर्चा करेगी जो कि उसके इनकम से ज़्यादा है, तो वो खर्चा इकोनॉमी में ही तो पंप इन हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में ही तो बढ़ रहा है. यस, आपको मैंने थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में सिखाया था AD इज इक्वल टू C+I+G+NX. तो आप सोचो अगर G बढ़ेगा जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, तो AD बढ़ेगा बिकॉज G बीइंग कंपोनेंट ऑफ AD. हाँ सर, बढ़ेगा. AD बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएंगे. बस सर, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में पहले प्राइस में चेंज आता है भैया. लॉ ऑफ डिमांड से कोई लेना देना नहीं. पहले हाँ ना में जवाब दो. AD = C+I+G+NX. यस और नो? यस. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो G बढ़ रहा है. यस. अगर G बढ़ रहा है तो AD बढ़ेगा क्योंकि AD का कंपोनेंट है. यस. अगर AD बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा. प्राइस बढ़ना मीन्स इन्फ्लेशन हो जाएगी. सो यू विल बी फेसिंग इन्फ्लेशन देन, क्योंकि यू आर पंपिंग इन सो मच मनी इन द इकोनॉमी और वो है भी कंजम्पशन पर्पसेस के लिए. डिमांड तो बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी. चौथी इम्प्लीकेशन, अगर आपने लायबिलिटी बढ़ाई, अगर आपने बोरिंग्स करी, तो डोंट यू थिंक फ्यूचर बर्डन है आपके ऊपर? क्या बर्डन है? कि फ्यूचर में लोन का पैसा भी वापस चुकाना है और जो लोन लिया हुआ उसका इंटरेस्ट भी चुकाना है. फिफ्थ, डिससेविंग. वेल, डिससेविंग बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. डोंट यू थिंक, हमने नेशनल इनकम एक टर्म पढ़ा था पब्लिक डेट, नेशनल डेट. वो होता क्या है? वो ये होता है कि पब्लिक से लोन ले रही है गवर्नमेंट,
सर पब्लिक कैसे लोन दे सकती है गवर्नमेंट को? जब तुम पोस्ट ऑफिस में पैसे डिपॉजिट करते हो या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदते हो तो, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हो, तो इन अ वे आप गवर्नमेंट को लोन ही तो दे रहे हो। गवर्नमेंट आपसे अभी पैसे ले रही है, वादा कर रही है कि बाद में लौटा देगी विद इंटरेस्ट, इसलिए लाइबिलिटी बढ़ रही है गवर्नमेंट की। अब इसका डिस सेविंग से क्या लेना देना बेटा? वो पैसा अगर तू गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में ना लगाता या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में ना लगाता तो वो पैसा तू बैंक में डालता। जी बैंक में डालता तो वहाँ से प्रोड्यूसर बोरो करते, इन्वेस्टमेंट करते, फैक्ट्रियाँ लगाते, मशीनें लगाते, बट इंस्टेड ऑफ दैट योर सेविंग्स हैव बीन यूज फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, बिकॉज गवर्नमेंट इज टेकिंग लोन फ्रॉम यू फॉर कंजम्पशन पर्पसेस टू मीट इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये अगेन वही बात है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को लेकर आएगा क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा पंप इन करेगी इकॉनमी के अंदर सब। अगर यही बैंक में पैसे होते, आपके सेविंग बैंक में होती, तो प्रोड्यूसर बोरो करते, अपनी फैक्ट्री लगाते, मशीनें लेते, तो इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती, सप्लाई करने की ताकत बढ़ती। वो तो बड़ी नहीं, डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग हो रही है। सो दैट्स व्हाई दिस इज डिस सेविंग। डिस सेविंग मतलब गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स, स्पेशली हाउस होल्ड सेक्टर। फॉर वॉट? फॉर देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लास्ट इम्प्लीकेशन इज वार्निंग सिग्नल। बेटा गवर्नमेंट को अब वार्निंग सिग्नल है कि सुधर जाओ, या तो अपने खर्चे कम कर लो या रिसेट बढ़ाओ। ये डेफिसिट ज़्यादा टाइम तक करोगे तो इकोनॉमी के लिए दिक्कत है। सो दिस इज रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ वी शैल बी टॉकिंग अबाउट फिस्कल डेफिसिट। वेल गाइस, फिस्कल डेफिसिट को हम कहते हैं जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसेट से ज़्यादा हो। सर टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर टोटल रिसेट क्या होता है? रेवेन्यू रिसेट प्लस कैपिटल रिसेट। लेकिन एक कैच है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है, रेवेन्यू रिसीट भी ठीक है, लेकिन कैपिटल रिसीट में बोरोइंग नहीं लोगे आप। बच्चों कहते क्यों नहीं लूंगा बोरोइंग, मेरे को तो लेनी है बोरोइंग। अरे मेरे भाई, अगर लोन कब लेता है आदमी, एक बार बता लोन कब लेगा तू? सर जब मेरे पास इनकम कम होगी, मेरा खर्चा ज्यादा होगा। बिल्कुल, जितने का गैप होगा उतने का लोन लेगा ना, कि इनकम 100 है खर्चा 120 है तो 20 रुपए का लोन लेगा, यही करेगा ना। हाँ सर यही करूंगा। तो भाई अगर तू इसमें बोरिंग भी इंक्लूड कर देगा तो तेरी हेडिंग है फिस्कल डेफिसिट, तो डेफिसिट रहा कहाँ? जब तूने लोन भी साथ में ले लिया, लोन किसके लिए लिया होगा? घाटे के लिए, जितने का घाटा होगा तूने अगर उतने का लोन ही ले लिया तो डेफिसिट कहाँ से है? इसलिए फिस्कल डेफिसिट करते हुए कैपिटल रिसिप्ट लेंगे खाली, वो जो एसेट गिरने वाली होती है, बोरिंग वाली नहीं लेंगे, क्योंकि बोरिंग अगर कर ले तो डेफिसिट कहाँ रहेगा? एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ये 30 था, ये 50 था, ये 20 था, ये 30 था, फिस्कल डेफिसिट हुआ 30, यही बोरोइंग्स है। इसलिए आप बहुत बार देखेंगे फिस्कल डेफिसिट इज ऑल्सो नोन एज बोरोइंग्स। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट की बात थी, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट की बात है। क्लास में हमने अच्छे से आपको सिखाया हुआ है। आइए इसकी इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। पहली इम्प्लीकेशन, डेट ट्रैप। बच्चा कहता है क्यों भाई? क्योंकि आपने बोला फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही बोरिंग से, बोरिंग मतलब डेट, आप डेट ट्रैप में फंसोगे। सर कैसे? एक बार बताओ, अगर आप लोन लेते हो अभी तो फ्यूचर में सिर्फ लोन का अमाउंट पे करोगे या इंटरेस्ट भी पे करोगे? सर इंटरेस्ट भी पे करूंगा। तो इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा? हाँ बढ़ा देगा, जिससे रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएंगे। आप ट्रैप में फंस जाओगे, विशियस सर्कल में। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लोगे, दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरा लोन लोगे। क्यों? क्योंकि सारा खेल है आप कंजम्पशन पर्पसेस के लिए लोन ले रहे हो। आप कंजम्पशन पर्पसेस के लिए अगर लोन लोगे कुछ नहीं हो पाएगा, आप डेट ट्रैप पे फंसोगे ही फंसोगे। मेरी बात को समझो, एक आदमी है, उसने लोन लिया कि मैं ना गाड़ी लूंगा अपने पर्सनल यूज के लिए। एक आदमी ने लोन लिया, मैं गाड़ी तो लूंगा लेकिन टैक्सी बनाऊंगा, उसकी टैक्सी चलाऊंगा। तो जो टैक्सी वाला है ना, वो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए ले रहा है, जो वो वाला है वो कंजम्पशन पर्पसेस के लिए ले रहा है। तो कंजम्पशन पर्पस वाला इनकम थोड़ा ना जनरेट कर पाएगा, उससे सप्लाई थोड़ा ना कर पाएगा उससे कुछ। यही गवर्नमेंट के साथ हो रहा है, गवर्नमेंट के डेफिसिट कंजम्पशन पर्पसेस के लिए है, इसलिए वो डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, क्योंकि इनकम सोर्स तो जनरेट हो नहीं रहे कि वो वापस रीपे कर पाएंगे प्रॉपरली। वो घाटा बढ़ता जाएगा, एक लोन को चुकाना है, दूसरा लोन दो, दूसरा लोन को चुकाना है, तीसरा लोन दो, एंड लाइक दैट। अब आते हैं जी सेकंड इम्प्लीकेशन, इन्फ्लेशन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, सेम रीजन है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर, एडी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेंगे बढ़ेंगे, सप्लाई बढ़नी रही। फॉरेन डिपेंडेंस, आप बताओ गवर्नमेंट बोरिंग कर रही है, सिर्फ बोरिंग अपने देश से होती है क्या? बाहर भी तो होती है, पाकिस्तान देखो, वो तो शायद उनके तो कटोरों में इतने छेद हो गए होंगे, भीख ले लेंगे, इतने सिक्के दिए कटोरे में, इतने सिक्के डाले लोगों ने फेंके कि भाई साहब कटोरे में छेद हो गए। पहले यूएसए से ले रहे थे, फिर यूएई से, आजकल चाइना। आप कहोगे इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत अगर ये 20-25 साल तक लोन नहीं चुका पाएंगे, चाइना कब्जा कर लेगा आधे देश पे पाकिस्तान के,
कंडीशंस है भैया, लोन चाहिए, हाँ चाहिए, ये कंडीशन है साइन कर, तो आपकी डिपेंडेंस बढ़ जाएगी फॉरेन डिपेंडेंस लोन के ऊपर। बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, यू कॉन्ट डिक्टेट टर्म्स। आप तो भीख मांगने गए हो बाहर, पैसे दे दो जी, वो कहेगा ये कंडीशंस पे दूंगा, लेना है लेनी तो आगे बढ़, आप लोगे ही लोगे क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं। हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। देखो जी, आपकी देश, आपकी गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, बढ़िया। अरे भैया आपने लिया 60 लाख, 60 साल के लिए लोन, 70 साल के लिए लोन, आप तो चले गए, आपकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन तो मरेंगी। वो बेचारे जो भी पैसा कमाएंगे वो अपने देश की तरक्की पे, इंफ्रा पे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपने जो लोन ले रखे हैं, आपने जो पाप कर रखे हैं, वो उनको भुगतेंगे, वो आपका लोन चुकाएंगे विद इंटरेस्ट, सो आपकी फ्यूचर ग्रोथ भी हैम्पर हो जाती है फिस्कल डेफिसिट से। सारा खेल है कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए डेफिसिट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, खेल है कि अगर कंजम्पशन पर्पसेस के लिए, देन यू आर इन ट्रबल। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट। देखिए प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट का एक एग्जांपल लेते हैं, मैं नीचे तक लेके जा रहा हूँ। तो प्राइमरी डेफिसिट, सपोज फिस्कल डेफिसिट कितना था 30, यानी आपका खर्चा बहुत ज़्यादा था। सपोज इसमें ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ना 30, ये वाला, इसमें सपोज 15-25 रुपये राधर इंटरेस्ट की पेमेंट थी जो पुराने लोन ले रखे थे, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना निकला 5। बंदा कहता है आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हो इससे? भाई साहब मैं प्रूफ ये करना चाह रहा हूँ कि अगर ये पुराने पाप ना किए होते, पुराने लोन ना लिए होते, तो 25 रुपये का इंटरेस्ट ना देना पड़ता। हाँ सर, नहीं देना पड़ता, कितने का फिर घाटा आता खाली? 5 का। तो 5 का लोन फिर भी मैनेजेबल है, 30 का लोन ले रहा है भाई तू। प्राइमरी डेफिसिट आपको बताता है कि एक्चुअली में करंट जो आपके गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो आपके करंट डेफिसिट से कितने ज़्यादा है। फिस्कल डेफिसिट बताता है तो ओवरऑल, क्योंकि उसमें वो पुराने लोन के इंटरेस्ट भी काउंट करता है। तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? वेल, लो प्राइमरी डेफिसिट, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा लो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट पेमेंट है फोर्स टू टेक द लोन्स या मेजॉरिटी ऑफ द लोन्स। अगर देखो, अगर ये इंटरेस्ट पेमेंट ना होता तो सिर्फ 5 का घाटा था, 5 का लोन लेना पड़ता है, $5 मिलियन। अब कितना लेना पड़ता है? $30 मिलियन फॉर एग्जाम्पल। तो पुराने पापों की सजा आप भुगत रहे हैं, क्लियर? सो ये थे टाइप्स ऑफ डेफिसिट, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी, ये थे उसकी इम्प्लीकेशन। अब हम करते हैं लास्ट टॉपिक, जो डिटेल में मैं क्लास में आपको करा चुका हूँ, मेरे नोट्स में से पढ़िएगा। एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेल गाइज, यू ऑल हैव टू अग्री कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं ना, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को रीएलोकेट करने हैं रिसोर्सेज, गवर्नमेंट को रीएलोकेट करने हैं कीपिंग इन माइंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एंड सोशल प्रायोरिटीज। गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसके लिए? एक बात बताओ, अगर आपके देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, बाहर की एमएनसीज आएँ, आपके देश में फैक्ट्रियाँ लगाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, अच्छी बात है ना, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट इसके लिए रीएलोकेट करेगी रिसोर्सेज को, कैसे? टैक्स कंसेशन देगी, सब्सिडी देगी। गोरों को बोलेंगे कि यार हमारे देश में लगाओ, हम टैक्स बहुत कम चार्ज करेंगे, सब्सिडी देंगे तुम्हें। तो गोरों को अगर लालच लगेगा तो वहाँ के बनाएंगे, आपके देश इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग, कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटी के लिए बड़ी ज़रूरी है, सैनिटेशन हो गया, रेलवेज हो गया, मगर प्राइवेट सेक्टर वाले उसमें आते नहीं हैं, उन्हें लगता है यार ये फ्रूटफुल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो अब आप बताओगे प्राइवेट सेक्टर नहीं बना रहा लेकिन सोसाइटी के लिए तो जरूरी है, तो गवर्नमेंट खुद बनाएगी फिर डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। बच्चों ऑलमोस्ट एवरी इकोनॉमी हैज़ इनइक्वालिटीज, किसी में ज़्यादा है किसी में कम। इनइक्वालिटी का मतलब है कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है। तो गवर्नमेंट इस गल्फ को कम करने के लिए क्या कर सकती है, इस गैप को कम करने के लिए क्या कर सकती है? गवर्नमेंट रिच पे टैक्स लगा दे और पुअर के वेलफेयर पे वो पैसा यूज़ करे ताकि वो इनइक्वालिटी कम हो जाए। अब कई बच्चे कहते हैं सर रिच पे ज़्यादा टैक्स क्यों लगाएं? तो टैक्सेशन में एक प्रिंसिपल होता है एबिलिटी टू पे टैक्स, बिकॉज दे हैव मोर मनी, दे हैव मोर रिसोर्सेज, दे हैव मोर एबिलिटी टू पे टैक्स, दैट्स व्हाई दे शुड बी टैक्स। सर इंडिया में ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होता? डायरेक्ट टैक्सेस में वी हैव प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जिसमें इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट बढ़ेगा, और जितने भी लग्जरी गुड्स हैं दे अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टैक्स, और वो सारा पैसा गवर्नमेंट सपोजिटली यूज़ करती है गरीबों की वेलफेयर के लिए। थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसका मतलब होता है हमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं चाहिए। तो सर गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में टॉपिक किया था एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड, हाँ किया था। एक्सेस डिमांड में मेजर किए थे फिस्कल मेजर, हाँ किए थे। क्या सर? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। डिफ्लेशन में क्या किया था? सर उल्टा। मैंने कहा क्या किया था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे, टैक्स कम कर देंगे। तो मेरे भाई वो बजट की तो पार्ट है, टैक्स यानी रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट अपने बजट का यूज़ करके स्टेबिलिटी ला सकती है इकॉनमी में, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को दूर कर सकती है।
मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, वेल पब्लिक एंटरप्राइजेस है PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिन्हें हम नेचुरल मोनोपोलीज भी कहते हैं। अब बच्चे नेचुरल मोनोपोली का क्या मतलब होता है? नेचुरल मोनोपोली होती है जब आप इस पोजीशन में हो कि आप औरों से बहुत सस्ता बना देते हो गुड। लाइक रेलवेज है, जो टिकट का प्राइस इंडियन रेलवे चार्ज करती है, कोई प्राइवेट वाला वो कर ही नहीं सकता। अगर वो रेल लाइन बिछाएगा, रेलवे स्टेशन बनाएगा, रेल गाड़ियाँ बनाएगा, स्टाफ रखेगा, तो उसका खर्चा नहीं निकल सकता उस रेट पर। तो इन दैट सेंस रेलवे की नेचुरल मोनोपोली है। तो बजट में उनके प्रोविजन्स होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, हम सब जानते हैं देश को अगर ग्रो करना है तो सेविंग इन्वेस्टमेंट की रेट बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट अपने बजट को इस तरह यूज़ कर सकती है जिससे प्रमोट करें थ्रिफ्ट को, सेविंग को। सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आएगी। सो बाकी आप मेरी क्लास में 3-4 बारी करेंगे ही, और उसमें अच्छे से करें, नोट्स में से अच्छे से पढ़ें, डाउट्स मैं आपके क्लास में लेता हूँ। आई थिंक एक थोड़ा ओवरव्यू है जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए अबाउट दी टॉपिक। दैट वॉज गवर्नमेंट बजट। क्लियर गाइस?